केवल हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि लद्दाख में, गंगटोक में, जबसांग में चीन की फौज हमारी जमीन पर कब्जा कर बैठी है, देश का प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? प्रधानमंत्री देश ये जानना चाहता है जिस तरह आपने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया, आज आप चीन पर भी हमला कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जबान से ये बार बार हमने सुना पार्लियामेंट के चुनाव के बाद कि घर में घुस के मारेंगे, आज चीन हमारे घर में घुस के बैठा है। प्रधानमंत्री चीन को भी निकाल कर फेंकिए, ये देश आपसे मुतालिबा करता है। मगर देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं, कि यहाँ पर हज हाउस है आला हजरत के नाम से। आज वो हज हाउस को ताला डाल दिया गया। एनजीटी का अगर आया क्यों नहीं होगी आदित्यनाथ की सरकार, उस एनजीटी के अगर के खिलाफ जाती है क्या? नदी के किनारे और गंदगी नहीं हो रही है क्या? क्या नहीं निकलता? मगर हज हाउस नहीं होने की बिना पर गाजियाबाद और मीरठ की जनता को बड़ी मुश्किल उठाकर यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट जाना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात जो मैं आप तक पहुंचाना जरूरी समझता हूँ, क्या आप सुनने तैयार है? अभी मुकाबला किया, क्या आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया? आपने नहीं। क्या आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में मोदी को वोट दिया? क्या योगी को वोट दिया? कैसे बीजेपी कामयाब हुई बताइए? दोस्तों, मैं आपको बताने आ रहा हूं कि इस विधानसभा
यकीनन इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की ताकत इन तमाम पार्टियों को नजर आ जाएगी। आपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के अपने करेंगे तो आपके वोट की कीमत बढ़ेगी, आपकी ताकत की और आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि आप मुतरजा दौर पर आने वाले विधानसभा में मजलिस के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सुनिए मेरी इस बात को, गाजियाबाद विधानसभा में कांग्रेस और सपा ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था, बहुत हारा पिछले बार। अब आप सुनिए हकीकत क्या है। कांग्रेस और सपा के लोगों को कालिया फक्का, गुलजार कॉलोनी, हिंदुल विहार, इस्लाम नगर से 19,000 वोट मिले और बीजेपी को सिर्फ 1200, मगर बीजेपी जीत गई। अब आप बताइए, बीजेपी को 25,000 वोट विजयनगर से, मिर्जापुर से। अब यह आप जानते हैं कि विजयनगर गुलजार नगर के हालात क्या है, क्यों जीती बीजेपी वहां पर, बताओ सत्ता कांग्रेस वालों। मोदी नगर विधानसभा अब्दुल वहाब चौधरी साहब वहां पर 60,000 वोट से हार गए। 2012 में कांग्रेस और आरएलडी ने इसको यहां से जीता था। बीजेपी से उस वक्त 8% वोट की थी 2012 में मोदी नगर विधानसभा से। आप सोचिए कि 5 साल में 2012 और 2017 आने तक बीजेपी को 50% वोट मिला। 8.5% से बीजेपी को 50% वोट कैसे मिला, तो मालूम हुआ कि गोविंद पोरी, हरमन पोरी, इन तमाम इलाकों से बीजेपी को वोट मिले और 2000 वोट से वहां से बीएसपी को शिकस्त मिली। तीसरी विधानसभा है सरियाबाद विधानसभा, जहां से अमरपाल शर्मा 2012 में बीएसपी के जीते थे। अमरपाल साहब एसपी और कांग्रेस में चले गए और बीजेपी और से हार गए। बीएसपी के जलालुद्दीन साहब तीसरे नंबर पर आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी ने 2012 में 99,000 वोट मिले थे, 2017 में बीजेपी को 2,65,000 वोट मिले। क्या मैं तो नहीं आ रहा, कैसे मिले बीजेपी को, बता क्या बुजुर्गो। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको मुसलमानों को फैलाया जाता है, फुसलाया जाता है, धोखा दिया जाता है कि मुतहदा का इस्तेमाल करो। जब आप मुतहदा का इस्तेमाल करते आ रहे मगर बीजेपी जीतती जा रही है। आपने मुतहदा का इस्तेमाल किया मगर आपके तालीम के मसायल हल नहीं हुए, रोड नहीं बनती, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया का गंदा पानी खेतों में चला जाता है, लोग परेशान होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आज आपके पास मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रूप में एक विकल्प है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि मुत्तहद अपने वोट का इस्तेमाल करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपके बाद हम जरूर कामयाब होंगे। मीडिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में आज कुछ 6 या 7 मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर रहे हैं। मोदी जी 5 साल खामोश बैठे और गाजियाबाद की एक महिला का भी जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया था अपनी मन की बात में। क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने कि मुझे वो माँ के ऊपर बड़ा फखर है,
जिसने कोविड हुआ तो अपने आपस को अलग रखी अपने बच्चों को बचाने के लिए। मोदी जी क्या आपने उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन दी? उत्तर प्रदेश में कोविड की दवाएं दी? आपने पहली वेव के बाद दूसरी वेव आके आपने क्या वैक्सीनेशन का इंतजाम किया? नहीं किया। हम नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहे कि 5 साल से ये बाबा की सरकार, 5 साल से बाबा की सरकार है, क्या आपको नहीं मालूम देश के प्रधानमंत्री के कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में 4,500 और डॉक्टर की सैंक्शन स्ट्रेंथ है। बाबा ये तो बताओ कि कितने डॉक्टर काम कर रहे? सिर्फ 1344 काम कर रहे, 2,297 डॉक्टर नहीं है। तो बाबा क्या कर रहे? मोदी जी क्या कर रहे? बाबा से आप जाकर पूछेंगे, बाबा ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में 2,200 डॉक्टरों की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, आपने इनको तकरार नहीं किया, इनको नहीं रखा, तो बाबा बोलेंगे डॉक्टर का नाम बता दो। आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6% ऐसे घर हैं जो किसी हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ स्कीम से कवर है। और ये बड़ी बड़ी बात करते हैं बीजेपी वाले, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जून 2021 का आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, जून 2021 के फिगर बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत में सिर्फ 975 लोगों को ट्रीटमेंट मिला जून 2021 तक, और सिर्फ 1500 लोगों को स्कीम में टेस्ट किया गया जून 2021 तक। आप बताइए बीजेपी कितना लंबा झूठ बोलती है? नरेंद्र मोदी हो या योगी हो बोलेंगे कि लाइन आर्डर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपने देखा लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। लखीमपुर खीरी में गाड़ी से किसानों को रोन दिया गया। देश के प्रधानमंत्री अपनी जबान से एक लफ्ज एक शब्द नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो अपनी तकरीर में कहा था कि जो अपना जान बोलने वाले थे जाते। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से दोबारा पूछ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि बताओ मोदी जी और योगी जी, आप आशीष की अफवाह को क्यों बचा रहे हैं? आशीष की अफवाह को क्यों बचा रहे हैं? इसलिए बचा रहे हैं कि आशीष का ताल्लुक एक आलाशान समाज से प्रकाश से है। अगर आशीष का नाम अतीत होता तब तो उसको खोल दिया। ये लखीमपुर का वाकया उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, अपने शहरों में भी खाना पड़ेगा कि जिस समाज के पास ताकत होगी, आशीष का ताल्लुक एक ताकतवर समाज से, इसलिए देश का प्रधानमंत्री उसके बाप को मिनिस्ट्री से नहीं आता। गाड़ी चलाकर 5 किसानों को मार दिया, उस घरों में अंधेरा कर दिया, बहनों को अपने भाई से महरूम कर दिया, एक जईफ बाप को अपने नौजवान बेटे से महरूम कर दिया। मोदी जी और योगी जी उसको बचा रहे इसलिए कि उस समाज के वोट को हासिल करना है। बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुम्हारे खून की कीमत है? Bye.
जितने रूपांतर योगी सरकार में हुए, मैं फिर से कह रहा हूँ, 37-20 मुसलमानों को गोली मार दी गई, जेल में गोली मार दी गई, गांव का तोड़ दिया गया। मगर अब तक आशीष, जिसकी गाड़ी से 5 लोग मर गए, ना उसके घर पर बुलडोजर गया, ना उस पर कुछ हुआ, वो जेल में आराम से बैठा है, नाश्ता करते हुए जेल में आराम से सो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे आपसे यदि आपसे गुजारिश है कि आप मुतहरा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, जमने और जमाने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ, मैं भीगने के लिए तैयार हूँ, तो आपके लिए मरने के लिए। जो आपकी तकलीफ को समझ सके, जो नौजवानों के खाबों को पूरा कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मिलकर हमको आगे बढ़ना है। हम किसी समाज के खिलाफ नहीं है, हम किसी मजहब के खिलाफ ना थे ना रहेंगे। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की हमारी लड़ाई है। हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान है और 9% तो यादव का मुख्यमंत्री बन जाता।